सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। अरे बातें जरा देखिए, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। सामने देखिए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अरे जरा गौर से देखिए, हो गया क्यों चमत्कार, हो गया ना, आपकी चहेती सिमर लौट आई है। संभलना मुश्किल हो गया। और इधर देखिए, धानी भी वापस आ गई। आनंदी और उसकी बेटी निम्बोली ने भी वापसी की है। यही नहीं, स्वरागिनी की स्वरा और रागिनी भी नजर आ रही है। उफ ये नूर, वल्ला, उफ ये नूर, वल्ला। कहीं रंग रसिया की पारो में जरूर रंगिया इसकी मशहूर वल्ला। तो कहीं अशोका का वीर अशोका नजर आ रहे हैं। उफ ये नूर, वल्ला, उफ। भाई आज तो सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस, शौक पर शौक मिल रहे हैं। अरे भाई कलर्स के गोल्डन पेटल अवार्ड्स की शाम है, तो सरप्राइजेस और शौक तो मिलेंगे ही। तो चलिए चलते हैं कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स के बैकस्टेज और देखते हैं इस शाम में कलर्स के पुराने और नए चेहरों की बैकस्टेज मस्ती, बैकस्टेज मेकअप और बैकस्टेज हंगामा। सबसे पहले चलते हैं नागिन शेषा के मेकअप रूम में और देखते हैं काली नागिन आज की शाम के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है। गोल्डन पेटल अवार्ड्स के लिए मैं एकदम गोल्डन बनकर आई हूँ आज। बेज एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन है एंड यूजुअली मैं डार्क कलर्स पहनती हूँ, ब्लैक रेड इज माय फेवरेट, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा सटल कलर सिलेक्ट किया है। काले नागिन ने घंटों लगाकर अपने गाउन, मेकअप और हेयर के साथ परफेक्ट लुक अपनाया है। ज्वेलरी एक्चुअली ये एक ज्वेलरी डिजाइनर है निधि, सो शी हैज डिजाइन दीज इयररिंग्स, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसकी ज्वेलरी पहनी है। इट्स मैचिंग विद माय कॉस्ट्यूम एंड डेफिनेटली एक अलग सी रिंग है ये, जो आजकल नई फैशन में है, तो इट्स जस्ट लाइक इट लुक्स लाइक अ नेल, तो मुझे बहुत ही प्रिटी लगी एंड इसलिए मैंने आज ये पहना। वेरी ब्यूटीफुल इट इज। नागिन शेषा के बाद अब जरा सुनहरी नागिन शिवन्या का ये मॉडर्न अवतार भी देख लीजिए और जरा बैक स्टेज तो देखिए शिवन्या को आज कौन मिला है। जी हाँ, उनके कोरियोग्राफर जिनसे मिलकर आज शिवन्या हो गई है बेहद खुश। शिवन्या का स्टाइल मॉडर्न है तो सासू माँ का स्टाइल बिल्कुल चटक है। देखिए आज की शाम के लिए वो अपने लुक पर कितनी मेहनत कर रही हैं। बिकॉज देर आर टू लुक्स, इसमें एक तो मैं एंकर कर रही हूँ जिसमें मैं एज यामिनी आ रही हूँ एंड देन आई एम परफॉर्मिंग वेयर इट इज़ द ईवल, तो उसके लिए मैलकम फील्स की वील कीप दिस लुक वेरी सॉफ्ट, मतलब जो टिपिकल यामिनी लुक रहा है। फॉर द अदर लुक ही वॉन्ट्स टू गिव इट अ मोर ड्रामेटिक लुक बिकॉज इट्स ईवल वर्सेज द गुड। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए। चलिए अब जरा एंट्री मारते हैं सिमर के मेकअप रूम में जहां हमारी पुरानी सिमर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही हैं। वैसे आजकल ये स्टार प्लस के नच बलिए में अपने बलिए शोएब के साथ नजर आ रही हैं। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। आ
आज मेरे जो मेकअप दादा उन्होंने बहुत अच्छा आई मेकअप किया है और मेरे तीन अलग लुक्स थे तो ही इज स्पेसिफिकली मेड आईज अलग अलग तीनों के लिए और ये जो है ये प्रॉपर इसमें सिमर की झलक आपको दिखेगी इसलिए मैं गजरा लगा रही हूँ और मांगटी का सिमर की तरह पहना हुआ है तो दिस इज अ प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल सिमर जाके हाथ जिया पे मल मल। अब चलते हैं धानी यानी ईशा सिंह के मेकअप रूम में। वैसे ये तो यहाँ फिर से धानी बन रही हैं, लेकिन आजकल वो जी टीवी के सीरियल एक था राजा में रानी बनकर नजर आती हैं। थोड़ा हैवी हुआ है कुछ परसेंट तो थोड़ी खुश हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसा मेकअप नहीं होता और मुझे आईलाइनर इन सब चीज़ों का शौक है। अभी तो मैं धानी वाले लुक में ही हूँ, बस मुझे साड़ी में थोड़ा और अच्छा पैटर्न मिल गया, मेरा बॉर्डर और सब कुछ चेंज हो गया है, थोड़ा ग्लॉसी मेकअप हुआ है, लिपस्टिक लग गई है। अब जरा इस मेकअप रूम में झांक लीजिए, स्वरागनी की स्वरा और रागनी भी फिर से लौटी है अपने परिवार में। मेकअप शो के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, स्टेज परफॉर्मेंस है तो थोड़ा ब्लिंगी मेकअप होता है, मतलब आई शेडो लिपस्टिक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अदरवाइज बेस और सब मैंने बहुत कम रखा है। ज्वेलरी मैंने मांगटी का रखा है और ईयरिंग्स रखे हैं क्योंकि कॉलर वाला ड्रेस है तो मैंने नेक पीस नहीं रखा है और हाथ में बैंगल्स नहीं रखे, सिर्फ कड़ा रखा है बिकॉज इट्स अ वेरी इंडो वेस्टर्न ड्रेस। कृष्णदासी की आराध्या भी आज अपने पुरानी फैमिली में लौटकर चहक रही है। के लिए मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा ड्रेस बनाया गया है पिंक कलर का, उस पर येलो कलर की एक कोटी मतलब एक वेस्टकोट बना हुआ है मिरर वर्क के साथ। तो हाँ, वैसे गोल्डन पेटल अवार्ड्स के बैकस्टेज पर कलर्स के नए और पुराने बहू और बेटे टशन में फोटो शूट कराते नजर आए कसम की तनुजा और ऋषि, बालिका वधु की आनंदी और निम्बोली, नागिन की शेषा, थपकी के ध्रुव और श्राद्ध, सिमर के सिद्धांत और रोली और रंग रसिया की पारो। वैसे शानदार शाम में बॉलीवुड का भी बोल बाला रहा, झलक की जज माधुरी दीक्षित, इंडियाज गॉट टैलेंट की जज मलाइका अरोरा, खतरों के खिलाड़ी के होस्ट अर्जुन कपूर भी इस शाम को रंगीन बनाते हुए नजर आए। तो इतने सारे रंगों को देखकर इस अवार्ड की शाम का इंतजार करना तो बनता है ना। लतिका पंडित के साथ नुपुर माउची, मुंबई आज तक।